MIS यूनिट के मुख्य भूमिका निभाते हैं। आप सभी उनसे भलीभांति वाकिफ हैं, अनेकों वर्षों से हमारी परियोजना में जुड़े हैं। तो UDIS के संबंध में शिक्षक संकुल का एक नई भूमिका जो हमने दी है और ये एक स्थायी व्यवस्था जिसमें प्रोग्राम स्ट्रक्चर आपके माध्यम से बनाया गया कि UDIS का डेटा को अद्यावधिक करें, इसी के आधार पर हमारे विभिन्न रैंकिंग और हर चीज़ निर्धारित होती है। हम इसमें ट्रैक कर पाते हैं कि हमारे कितने बच्चे नामांकित हैं, कितने बच्चे स्कूल से बाहर हैं, कितने बच्चे निरंतर ड्रॉप आउट हो रहे हैं, ट्रांजिशन रेट क्या है, रिटेंशन रेट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या है, क्वालिटी की स्थिति क्या है, अनेकों चीज़ें हम इसी के माध्यम से ट्रैक करते हैं। भारत सरकार से लेके, नीति आयोग से लेके, विशेषज्ञ संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं भी इसी का डेटा को अध्ययन करते हैं। हमारा मूल्यांकन रिपोर्ट कार्ड इसी के आधार पर लिखा जाता है, इसीलिए डेटा अद्यावधिक और त्रुटिविहीन होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस कार्य की महत्ता को देखते हुए आपके ऊपर ये निर्भरता इस बार व्यक्त की गई है। मैं अजीम से अनुरोध करूंगा कि अपना प्रस्तुतिकरण करने का कष्ट करें। थैंक यू सर। सभी शिक्षक संकुल साथियों और शिक्षकों को नमस्कार। जैसे कि सर ने अभी आपको बताया कि UDIS का क्या नाम है, जो डेटा है वो कितना इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए और हमारे लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टेट लेवल पर सारा डेटा उस पे कह रहा है आपका एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करने के बाद बजट उसी पे बनता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम कह रहा है चीज़ों को समझेंगे कि क्या क्या UDIS में आपको, पहले मैं आपको बताऊंगा कि UDIS कहाँ से शुरू हुआ, कैसे ऑनलाइन शुरू हुआ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको जो DCF जो मिला हुआ है उसको आपको स्कूल में जो भरवाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, तो उन सब चीज़ों के बारे में एक प्रेजेंटेशन आपको शो किया जाएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो उस प्रेजेंटेशन में आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि UDIS का फुल फॉर्म क्या होता है। UDIS का फुल फॉर्म जो होता है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो ये एक यूनिफाइड के नाम सॉफ्टवेयर है जो कि ऑल ओवर इंडिया में, पूरे इंडिया में ये एक मात्र सॉफ्टवेयर है जो एजुकेशन के लिए भारत सरकार, जिसमें सारे 1 से लेके 12 तक की ईच एंड एवरी थिंग इन्फॉर्मेशन के नाम इकट्ठा करती है। ये बहुत दिन से शुरुआत 200 साल से के नाम हो रहा था, पहले ये सेमी ऑफलाइन था, अभी 19-20 में भारत सरकार NIC के द्वारा ये सॉफ्टवेयर उसको मॉडिफाई किया गया है, जिसमें नाम रखा था UDIS प्लस। UDIS प्लस इसमें आपको 3 चीजें के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको क्या नाम सूचना जो एकत्रित करनी है वो आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि विद्यालय व्यार जो सूचना है मॉड्यूल है, विद्यालय की इन्फॉर्मेशन के नाम आपसे पूछी जाती है, उसके बाद आपके जो स्टूडेंट के जो विद्यार्थी हैं उनकी सूचना के नाम आपसे पूछी जाती है, और शिक्षक की इन्फॉर्मेशन के नाम आपकी पूछी जाती है। जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि ये पूरे देश में कहना है ये जो सिस्टम है ये लागू है, उसी से इंफॉर्मेशन से भारत सरकार हमको बजट देती है और उसी से हमारा मूल्यांकन भी होता है। अभी जैसे कि आपने देखा है कि आपका PGI जो था परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसमें हमारी रैंकिंग कहना है पहले कहना हम 23 थी, अब हमारी 8 पे है, तो वो ये UDIS की वजह से ही हुआ है, उसी के इंफॉर्मेशन की वजह से हुआ है, वही से आकलन होता है सारी चीजें। कहना भारत सरकार SDG गोल ले लीजिए, UDIS प्लस ले लीजिए, और का क्या नाम है PGI ले लीजिए, ये सब मूल्यांकन UDIS के डेटा से होता है। तो ये UDIS का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी इतने सालों से कहना बजट हमारा बनता है, उस बजट में जो डेटा यूज होता है, वो डेटा यूज जो होता है वो हमारा UDIS से होता है। जैसे कि स्कूल ग्रांट हमको मिलती है, किताबों के लिए पैसा मिलता है हमको, और हमारे कहना KGVV के लिए पैसा मिलता है, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा मिलता है, और उसके फिर आपका क्या नाम है जो निशुल्क पाठ पुस्तक, यूनिफॉर्म, और आपका विद्यालय मतलब जो वो आपका विद्यालय रिपोर्ट कार्ड, रिमीडियल टीचर, उन सब का पैसा जो होता है वो सारा इंफॉर्मेशन हमारे UDIS प्लस सॉफ्टवेयर से लेता है। तो आप समझिए कि इतना बड़ा क्या नाम है सॉफ्टवेयर हमारा कितना इंपॉर्टेंट है, और उसकी सूचना क्या नाम है आपके बिहाव से क्या नाम हमारे पास आती है, तो वो सूचना हमारे पास एग्जैक्ट बिल्कुल सही आएगी तो हमारे यहाँ पास बजट बनाने में कितना आसानी होगा और कितना अच्छे से बजट बनेगा और ज्यादा पैसा हम भारत सरकार से ले सकते हैं। दूसरी स्लाइड में आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपका जो
क्या भूमिका है। एक्चुअली इसमें क्या नाम है, हम लोग ने सभी सभी को आपको डिस्ट्रिक्ट में BSA को हमने ये लेटर भेज रखा हुआ है कि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को क्या नाम है बना के भेजा हुआ है कि उसमें आपकी क्या भूमिका है, कैसे कैसे इसमें आप काम करेंगे, वो सारे स्टेप बाय स्टेप। और यहां तक भी निर्देश दिया है MIS और DCMIS को कि आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग कराए, ऑनलाइन ट्रेनिंग आपकी हो चुकी है ये, और इसके बावजूद भी मोटे मोटे जो पॉइंट है वो हम आपको इंडिकेट करना चाहते हैं कि जब आप DCF को भरवाएं और जब आप स्कूल पे जाएं तो उस पॉइंट को आप ध्यान रखें कि वो पॉइंट कहीं मिस ना हो सके। तो जैसे कि आप सबने अभी आप सबसे पहले आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या नाम है हम लोग ने आपको इस वर्ष आपके माध्यम से रंग कराने की मुहिम हमने की हुई है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं कि आपको लेटर भी भेजा गया था, उसमें प्रति विद्यालय दर से आपको मोबिलिटी भत्ता देने का प्रावधान भी किया गया है। तो इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या करना है, सबसे पहले काम ये करना है कि हमारे जितने भी प्रबंधक मतलब ऑल मैनेजमेंट ऑल कैटेगरी के जो स्कूल है उसमें आपको कवरेज डेटा एंट्री के नाम सुनिश्चित करानी है। सारे स्कूल इवन के नाम आपके प्राइवेट स्कूल हो, आपके मदरसा हो, आपके आपके कहना परिषदीय स्कूल हो, एडिड स्कूल है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको UDISE प्लस पर लानी है विद द हेल्प ऑफ आपको टीचर के साथ मिलकर हेल्प करना, टीचर के साथ के नाम हेल्प करके आपको इन्फॉर्मेशन लानी है। इन केस कोई आपको दिक्कत हो रही है तो आप DCMIS MIS और इवन अब तो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर भी आपका आ गए, वो ब्लॉक में आ गए हैं तो उनके हेल्प के साथ इंफॉर्मेशन आपको डेटा एंट्री करानी है। और आपको यहां बताना चाहता हूं कि डेटा एंट्री ये आपकी स्कूल लेवल भी हो सकती है, इसमें क्या नाम है आपका सभी स्कूल का यूजर नेम पासवर्ड बना हुआ है तो स्कूल चाहे तो वो अपना स्कूल में बैठ के इंफॉर्मेशन के नाम है ऑनलाइन भी फीड कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से के नाम है कर सकता है। फिर जब आपका ये काम अभी UDISE का काम पहले इंट्री का शुरू होगा, उसके बाद के नाम है जब ये इंट्री खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग आपको 100% चेकिंग के लिए एक आपको विद्यालय जो आवंटन आपके हुआ है, सपोज आपको एक ब्लॉक में चार विद्यालय के नाम है पांच विद्यालय आवंटन हुए हैं तो उसको आपको 100% उसकी चेकिंग भी करनी है। उसको चेकिंग में ये देखना है कि जो पॉइंट आपको बताए गए हैं क्या उस डेटा पॉइंट पर वो इंफॉर्मेशन आपके भरी गई है कि नहीं भरी गई है। इसमें आपका आप इसमें सहयोग ले सकते हैं DCMIS MIS का, इसमें पूरा सहयोग मिलेगा आपको और स्टेट लेवल से आपको कोई भी दिक्कत हो टाइम टू टाइम यहां हम लोग आपको पूरा सहयोग करते हैं और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो। ये आपका सेकंड चीज है। इसमें आपको अब हम बताना आपको बताना चाहते हैं किस किस चीजों पे ध्यान रखना है आपको। जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि आपके गर्ल्स टॉयलेट बॉयज टॉयलेट CWSN के टॉयलेट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको जो स्थिति है वो स्थिति के नाम है आपको उसमें डेटा में आपको फिलअप कराना है और DCF में आपको फिल कराना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है जैसे कि आप इसमें आप जब जाएंगे DCF आप जब देखोगे तो इसमें इनरोलमेंट की बात आती है। इनरोलमेंट में आपको कक्षावार सोशल कैटेगरी और बालक बालिका वार के नाम है आपको इन्फॉर्मेशन नामांकन भरना रहता है। तो कभी कभी क्या होता है ये चेक पॉइंट लगा हुआ है मगर इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है कि जर्नल के नाम है आप जर्नल वो बालक बालिका का आप भर दे रहे हो सपोज के नाम है डेटा में तो वो और कैटेगरी वाइज के नाम है जब आप इंफॉर्मेशन जैसे ST SC OBC और के नाम मुस्लिम इस तरह से इंफॉर्मेशन भरते हो तो वो जो बालक बालिका जो आप जर्नल इंफॉर्मेशन भरते हो वो उससे ज्यादा हो जाती है तो इन सब चीजों में वो डेटा सबमिट नहीं होगा। तो इन सब चीजों को आपको जो डेटा ऑपरेटर हो और जो टीचर हो इन सब चीजों को उनको आपको बताना है कि ये चीजों पर आप ध्यान रखें। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड में है इसमें क्या नाम है आपको जैसे कि अभी आनंद पांडे सर ने बताया कि ये जो चीजें जो रिमीडल की चीजें जो हैं जैसे कि ICT लैब के बारे में कैल के बारे में फर्नीचर के बारे में लाइब्रेरी के बारे में हम यहाँ से सारी सामग्री और सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ब्लॉक लेवल पर स्कूल लेवल पर पहुंचा रहे हैं बट क्या होता है कि ये इंफॉर्मेशन हमारे UDISE प्लस पोर्टल पर नहीं आ पाती है तो इससे हमारा क्या नाम है इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती है तो हमारा जो प्लान जब हम क्वालिटी का प्लान डिजाइन करते हैं तो उसमें कमियां दिखती हैं। तो ये सब चीजें जो चीज सामग्री आपको मिल रही है जो चीजें हैं आपके स्कूल में उन सब की इंफॉर्मेशन आप के नाम है UDISE प्लस पर इंफॉर्मेशन भरना सुनिश्चित करें। इसको आप वन बाय वन करके के नाम है जो जहां पर आप जिस स्कूल में जा रहे हैं
उस स्कूल में 15-20 मिनट 10 मिनट का टाइम दीजिए, टीचर को कहना समझाइए कि ये मोटी मोटी चीजें हैं, इस ये पॉइंट पे आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है, चेक करनी है और उसको भरवाना है। इन सब चीजों को आप छोड़िए नहीं। दूसरा पॉइंट जो है वो कहना है आपको, जैसे देख रहे हैं कि आंगनवाड़ी में कहना है इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है कि आंगनवाड़ी में कोरिलेटेड आंगनवाड़ी जो हमारे परिषद के, जो हमारे स्कूल के अंदर है और जो स्कूल के बाहर है, उनका इन्फॉर्मेशन छूट जा रहा है। तो सपोज अभी फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि अब पिछली बार डेटाबेस में हम देख रहे हैं 52,000 आंगनवाड़ी का इन्फॉर्मेशन हमारे पास आया, तबकि ICDS कह रहा है कि हमारे पास 1,80,000 के अलावा आंगनवाड़ी का 1,80,000 लमसम आंगनवाड़ी का इन्फॉर्मेशन है। तो इसका मतलब ये आंगनवाड़ी जो केंद्र है वो हमारे यूटाइज प्लस में नहीं आया। तो ये सुनिश्चित करिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो है, ये आंगनवाड़ी की जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उसमें, वो आपका पूछता है कि आंगनवाड़ी आपका कोलोटेड है या नहीं है, उसके बाद पूछता है कि उसका इनरोलमेंट बच्चे और उसका कोड पूछता है आंगनवाड़ी का। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आप क्या नाम है स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को समझाइए और उसको फिलअप कराइए। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपका जीआईएस कोऑर्डिनेट की इन्फॉर्मेशन भी आपको क्या नाम है, जब आप एंट्री खोलेंगे सबसे पहले सेकंड ऑप्शन में आता है जीआईएस मैपिंग कोऑर्डिनेट भरने का। लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड बहुत आसानी है लोगों को लेने के लिए। अपना मोबाइल का लोकेशन के नाम जीपीएस ऑन करें, उसके बाद वहां खड़े होकर उनको आपका उस जगह का वो लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड आपको मिल जाएगा, वही कैप्चर करके आप डाल दीजिए। तो ये चीज आपको टीचर को बतानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ टीचर एक्टिव है जिनको पता है सब चीजें, कुछ टीचर को बारे में नहीं पता है, तो उनको आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ये चीजें इस तरह से कहना होती है। दूसरा आपको किन चीजों पे कहना है ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान ही देना पड़ेगा कि आपको नामांकन क्या हो रहा है कि जो नामांकन वास्तविक स्थिति में नामांकन जो है, प्रेजेंट टाइम में जो नामांकन है वो वही नामांकन कहना है होना चाहिए जुडाइस प्लस में। तो नामांकन का भी कहना है इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। 30 सितंबर का नामांकन तक हम लोग लेते हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हो वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर आप लेटेस्ट भरिए, और इसका नामांकन जो रजिस्टर्ड में हो वो इन्फॉर्मेशन के नाम है आपका यूडाइस प्लस में आना चाहिए। दूसरा शिक्षक संकुल के नाम समय समय पर, जैसे कि आपने डीसीएफ जाकर समझा दिया, उनको बता दिया, फिर आपके नाम है कुछ दिन के, मतलब जब डीसीएफ आप 2-4 दिन में आप स्कूल पे चले जाए, जरा समय समय पर जाकर वहां विद्यालय में भ्रमण कर लें, देख लें कि क्या उपस्थिति है, क्या डीसीएफ के नाम सही नामांकन भरा जा रहा है, क्या चीजें के नाम कोई इन्फॉर्मेशन के नाम गलत तो नहीं भरी जा रही है, एक सरसरी तौर से के नाम उसको देख लिया जाए, जो आपने पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट के नाम सारे कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और दूसरा पॉइंट दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत कहना, दिव्यांग बच्चों का डेटा उस कैप्चर्ड के नाम यूडाइस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, त्रुटि रहित के नाम में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनका इन्फॉर्मेशन यूडाइस प्लस में भरवाना सुनिश्चित करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जानते हैं दिव्यांग बच्चे की इन्फॉर्मेशन छूट गई, तो एक दिव्यांग बच्चे की इन्फॉर्मेशन छूट गई तो बहुत ही हम लोग के लिए दुखद की बात है कि ये एक दिव्यांग बच्चा के नाम वंचित रह जाएगा जो उनको हम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए प्लीज आपसे इंश्योर करिए कि ये दिव्यांग बच्चों का इन्फॉर्मेशन जो है यूडाइस प्लस पर वो त्रुटि रहित इन्फॉर्मेशन आ सके। सिर्फ आपको क्या करना है कि आपको चीजों को बताना है टीचरों को, और कहीं दिक्कत आ रही है तो आपके DCMIS MIS से कांटेक्ट करें और उनसे वो चीजें पूछें कि ये दिक्कत आ रही है, ये कैसे रिजॉल्व होगा। अब अगली स्लाइड में कहना है, जैसे कि आपको अब दूसरा चीज है जो मध्याह्न भोजन का जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी कहना है हम लोग कैप्चर कर उसमें यूडाइस में कैप्चर कर रहे हैं। सारे इन्फॉर्मेशन आपको पता है कि मध्याह्न भोजन में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहना है फिलअप करना है, तो ये भी एक पॉइंट है जो इस पे आपको ध्यान देना है। दूसरा वोकेशनल स्कूल के नाम है, आप जानते हैं कि वोकेशनल स्कूल हमारे के नाम है जो सेकेंडरी स्कूल में है, उनकी भी इन्फॉर्मेशन एक बार आप जो सेकेंडरी जब स्कूल में जब जा रहे हैं, जब सेकेंडरी स्कूल में जो आपका है जहां वोकेशनल स्कूल है वहां पर कहना है इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए कि वोकेशनल कोर्स चल रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपके कहना है वो डेटा कैप्चर फॉर्मेट में आना है। दूसरा जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मानव संपदा पे हम लोग बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने ऑनलाइन कर दी गई है, तो अब एक चीज होती है जिसमें के नाम है शिक्षक, जिसमें के नाम है यूनिक आईडी, यूडाइस प्लस में वो बोलता है कि टीचर की यूनिक आईडी कौन सी है, तो हमने निर्देश में ये दिया गया है कि यूनिक आईडी की जहां बात आए वहां पास आप EHRMS कोड जो आपका है वो आप उसको फिलअप कर दीजिए। जैसे कि
ऑलमोस्ट सभी सभी टीचरों का यूडाइस मतलब सभी टीचरों का EHRMS कोड बन गया है, सबके पास EHRMS कोड है, तो सारे टीचरों के पास EHRMS कोड है, उसके बाद उसको फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद वो यूनिक आईडी आपकी वहां फिल हो जाएगी। तो ये आपको पॉइंट जो है इसको आपको इंडिकेट करना पड़ेगा कि ये चीजें आपको भरनी है। दूसरा, जैसे कि प्री प्राइमरी, जिस स्कूल में प्री प्राइमरी चल रहा हो उसमें उनका डेटा, उसमें ऑप्शन है प्री प्राइमरी का, क्या नाम है, प्री प्राइमरी बॉयज, प्री प्राइमरी गर्ल्स, उसका इन्फॉर्मेशन, इनरोलमेंट भी मांगता है उसका, सब सारी चीजें मांगता है, तो वो चीजें भी आपको डेटा एंट्री करानी है। इसको सुनिश्चित करा लीजिए कि ये भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे, क्योंकि पिछली बार ये इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी तो हमें प्लान बनाने में दिक्कत हो रही थी, तो इसमें क्या नाम है, इस बार जब आप अभी काम शुरू हो रहा है तो इसमें आप ये भी सुनिश्चित कर लें कि प्री प्राइमरी का इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाए। जैसे कि आपको बता दे रखा है कि जैसे कि ऑनलाइन DCF भरने के बाद आप प्रिंट के नाम ले लें, प्रिंट लेने के बाद उसका सत्यापन कर लिया जाए कि क्या जो इन्फॉर्मेशन भरी गई है वो सही है कि नहीं सही है, उसका सत्यापन कर लें। अगली स्लाइड में जैसे कि आप इसमें आपको इन सब चीजों का जो मैंने आपको बताए हैं ये पॉइंट, इन सब चीजों को आपको ध्यान देना है, कहीं भी कोई भी समस्या आए तो DCMIS MIS से आप कांटेक्ट करें, और नहीं वहां रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज आप हमको स्टेट पे कॉल करके सारी कोई भी दिक्कत आए तो वो हमको आप बता सकते हैं, हम रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप लोग से यही उम्मीद है कि ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं इसको आप ध्यान रखेंगे और इस पे कंप्लायंस करेंगे, और अब की बार जो डेटा आप लोग के माध्यम से आ रहा है वो डेटा अच्छा डेटा आएगा, इस पे हम लोग कहना है और अच्छे तरह से कहना काम करेंगे और हमारा अच्छे तरह से बजट तैयार होगा। जी थैंक यू सर। थैंक यू अजीम, सबको बहुत अच्छे से UDAIS में उनकी